हे भाई जसपाल राणा सिस्त साधी दे, उत्तराखंड में बाघ लग्यू बाघ मारी दे। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपने ये गाना जरूर सुना होगा। उत्तरकाशी के रहने वाले जसपाल राणा, जिन्हें शूटिंग में भारत के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल उन्हें जीते हैं। एक वक्त था जब उन्हें भारतीय शूटिंग टीम का टॉर्च बियरर कहा जाता था। उन्हीं दिनों उत्तराखंड में ये गाना बना था। दरअसल उन दिनों उत्तराखंड के कई गांवों से बाघ के हमले की खबरें सामने आ रही थी, जिससे लोग दहशत में आ गए थे। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे जाबाज की कहानी जिसने गुलदार और बाघ के शिकार में जिम कॉर्बेट का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हम बात कर रहे हैं शिक्षक और शिकारी का किरदार बखूबी निभाने वाले लखपत सिंह की। अचूक निशाना, हिम्मत और हौसले का दूसरा नाम है लखपत सिंह, जो एक जमाने में शिक्षक हुआ करते थे। लेकिन जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आदमखोर गुलदार का शिकार होने लगे, तो कमल उठाने वाले इन हाथों ने बंदूक थाम ली और वन विभाग की परमिशन लेकर निकल पड़े आदमखोर गुलदार के शिकार पर। पहले जिस आदमखोर गुलदार ने स्कूली बच्चों का शिकार किया था, उसे ढेर किया। फिर क्या था, जहां भी आदमखोर गुलदार या बाघ से लोग दहशत में होते, तो फिर लखपत सिंह को बुलाया जाता और लखपत आदमखोर बाघ और गुलदार को ढेर कर देते। एक के बाद एक शिकार करते गए और जिम कॉर्बेट के 33 आदमखोर गुलदार और बाघ के शिकार का रिकॉर्ड तोड़ डाला। लखपत सिंह ने अपनी जिंदगी में कुल 53 गुलदार और 2 बाघों का शिकार किया। वो दौर ऐसा था कि जब भी कहीं आदमखोर बाघ या गुलदार संकट बनकर खड़ा होता, तो उसके सामने लखपत सिंह लोगों और वन विभाग की सुरक्षा कवच बन गए थे। उनका निशाना भी इतना अचूक था कि आदमखोर बाघ या गुलदार के अलावा उनकी गोली का निशाना कभी भी कोई दूसरा नहीं बना। लखपत सिंह गैरसैंण के रहने वाले थे और पेशे से शिक्षक थे। उसी दौरान साल 2002 से 2002 के बीच गैरसैंण के आदिबद्री इलाके में नरभक्षी गुलदार ने लोगों को दहशत में डाल रखा था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। इतना ही नहीं, इस नरभक्षी गुलदार ने 12 स्कूली बच्चों को भी अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया था। लखपत सिंह आदि बद्री इलाके में ही एक स्कूल में पढ़ाते थे। बच्चों ने स्कूल आना बंद किया तो उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। फिर क्या था, उन्होंने खुद बंदूक उठाने का फैसला कर लिया। वन विभाग ने उन्हें परमिशन भी दे दी और उन्होंने नरभक्षी गुलदार को ढेर कर दिया। नरभक्षी गुलदार का शिकार करने में लखपत सिंह के लिए सबसे बड़ी मददगार SSB से मिली ट्रेनिंग साबित हुई। दरअसल सीमांत इलाकों में SSB की टीम लोगों को गुरिला ट्रेनिंग दिया करती थी। इसी दौरान लखपत को बंदूक चलाने का भी अनुभव मिला था और फिर उन्होंने पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदान तक गुलदार का शिकार करना शुरू कर दिया। जब भी कहीं आदमखोर बाघ या गुलदार उत्पात मचाते, तो लखपत सिंह को बुलाने की मांग उठने लग जाती थी। लखपत सिंह ने एक बार एक ऐसे गुलदार का शिकार किया था जो सिर्फ शराबियों का शिकार करता था। इस गुलदार ने पहला शिकार 2011 में किया था और फिर अगले 3 साल में 16 लोगों को ऐसे ही निवाला बनाया और जिन 16 लोगों को मारा, उन सब के शरीर में अल्कोहल पाया गया था। वो गुलदार जो बन गया था शराबियों का शिकारी, शराब की गंध मिलते ही गुलदार कर देता था हमला। 3 सालों में 16 शराबियों को कर चुका था ढेर। लखपत सिंह की गोली से हुआ था गुलदार का काम तमाम। साल 2011 की बात है, चंपावत के डीडी हाट में एक व्यक्ति को गुलदार ने निवाला बनाया और फिर अगले 3 साल में 16 और लोग इस गुलदार का शिकार बने। गुलदार के हमले में मौत के बाद जब इन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो सब के सब हैरान रह गए। जितने भी लोगों के शिकार इस गुलदार ने किए थे, उन सभी के शरीर में अल्कोहल की मात्रा पाई गई, यानी कि इस गुलदार को जैसे ही शराब की गंध मिलती तो ये हमला कर देता। इस गुलदार को इंसान के शरीर में मौजूद शराब का स्वाद पसंद आ गया था। फिर क्या था, गुलदार का आतंक बढ़ा तो लखपत सिंह को बुलाया गया और फिर लखपत सिंह ने साल 2014 में इस गुलदार को ढेर कर दिया था। आखिरी बार लखपत सिंह ने अल्मोड़ा के भिक्यासैंण में साल 2021 में गुलदार को ढेर किया था।
और फिर वो पिछले साल सितंबर के महीने से खुद का यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, जिसमें वो लोगों को अपने किस्से सुना रहे हैं, साथ ही लोगों को जंगली जानवरों के हमलों से निपटने के तरीके भी बता रहे हैं। लखपत सिंह की माने तो बदलते वक्त के साथ वन्य जीवों के व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। बाघों का दायरा सिमट रहा है और जिस तरह से गुलदार और बाघ आबादी की ओर रुख कर रहे हैं, ये उनके आदमखोर होने की ओर इशारा कर रहा है। जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए लोगों का उनके व्यवहार को समझना जरूरी है, तभी मानव और वन्य जीव संघर्ष को लेकर कारगर रणनीति बनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, लखपत सिंह ये चाहते हैं कि वो एक शिकारी के तौर पर अपने अनुभव वनकर्मियों के साथ साझा करें, ताकि वनकर्मियों को मदद मिल पाए। उन्होंने इसके लिए वन विभाग को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन अभी तक वन विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। पिछले कुछ सालों की बात करें तो उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमलों में इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में अगर वनकर्मी लखपत सिंह जैसे अनुभवी शिकारी से ट्रेनिंग लेंगे या उनके एक्सपीरियंस से वन्य जीवों के व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे तो इसका फायदा वन विभाग को जरूर मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि लखपत सिंह की चिट्ठी का जवाब वन विभाग कब तक दे पाता है। आपको क्या लगता है, क्या लखपत सिंह जैसा कोई दूसरा शिकारी उत्तराखंड में कभी पैदा होगा? जवाब अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर भेजें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को फौरन ही सब्सक्राइब कर लें।